नमस्कार, फुटकर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं निधि विनोदिया। तो फुटकर न्यूज़ की टीम जो है कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC का जायजा लेने के लिए लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर मलिहाबाद में है, जहां पर कुछ महिला VLEs काम करती हैं। जो पिछली बार लॉकडाउन लगा था, कोविड 19 के चलते जो लॉकडाउन लगा था, उसमें CSC ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अहम भूमिका निभाई थी। घर घर जाके लोगों को राशन पहुंचाया, सुविधाएं पहुंचाई, सेवाएं पहुंचाई। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक महिला VLE है, जिनका नाम है अर्चना गुप्ता जी। तो आइए बात करते हैं कि किस तरह से वो लोगों को सुविधा पहुंचा रही है और अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना रही है। अर्चना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में बात करने के लिए। धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए, और नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं मलिहाबाद में। बिल्कुल, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जब आप सेवाएं किस तरह से पहुँचाई, अभी कोरोना का समय चल रहा है, पिछले बार जब लॉकडाउन लगा था तो किस तरह से कॉमन सर्विस सेंटर लोगों तक सेवाएं पहुंचा रहा था और किस तरह से मददगार साबित हुआ? कॉमन सर्विस सेंटर का मेन उद्देश्य है लोगों तक सरकारी सेवाएं को पहुंचाना। और जहां तक कि कोविड की बात करें तो एक बहुत बड़ी बीमारी है जो हमारे लिए आर्थिक और मानसिक रूप से एक बहुत बड़ी परेशानी लेके आई है। तो हम लोग कोविड के टाइम पे लॉकडाउन जब लग गया था, ऑल ओवर मतलब सारा बंद चल रहा था, हम लोग घर घर सेवाएं पहुंचाते थे। डिजी पे एक बहुत अच्छा माध्यम था लोगों तक सेवाएं पहुंचाने का। डिजी पे के माध्यम से हम लोग लोगों को अगर ट्रांजेक्शन करते थे, जैसे जिन लोगों की पेंशन आती थी या सर्विसेज का पैसा आता था, तो उनका हम लोग पैसा निकालते थे। राशन कार्ड वगैरह बनते थे, क्योंकि उस टाइम राशन की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी रूरल एरियाज में। तो लोगों तक उन सुविधाओं को पहुँचाने के लिए कभी कभी हम लोग घर तक लोगों को जाते थे। जैसे कुछ लोग विकलांग होते थे या वृद्ध होते थे या बीमार होते थे, जो हमारे सेंटर तक नहीं आ सकते थे, उनको हम घर जाके सुविधाएं पहुंचाते थे। जी, अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि जैसे सुविधाएं तो लॉकडाउन में पहुंचाई, लेकिन लॉकडाउन में एक होता था कि अगर ग्रॉसरी की बात करें, राशन की बात करें, तो लॉकडाउन में लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। क्या CSC ने उस समय लोगों तक राशन या ग्रॉसरी पहुँचाने का भी काम किया? किस तरह से, क्या लोग ऑर्डर करते थे? जी हाँ, सर्विस कॉमन सर्विस सेंटर में बहुत अच्छी सर्विस स्टार्ट हुई थी, ई स्टोर, जिसके माध्यम से हम लोगों ने लोगों के घरों तक राशन को पहुँचाया है। और ऑर्डर आते थे, स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन जब लोग समझने लगे थे ये अभी लंबे समय तक कोविड का एरिया चलेगा, तो ऑर्डर भी आते थे और हम लोग की सेवाओं को सराहना भी मिलती थी। मैंने आपके स्टोर में देखा है कि बैंकिंग की सुविधाएं हैं, HDFC बैंक का आपके यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, तो क्या बैंकिंग की क्या क्या सुविधाएं दी आप लोगों ने? जी, मेरा HDFC से बैंक BC है, मैं बैंक BC हूँ HDFC से। और लॉकडाउन के टाइम पे मेरा डिजी पे बहुत अच्छा वर्क कर रहा था, जिसके माध्यम से लोगों का पैसा निकालना, जमा करना, इंश्योरेंस करना, ये सारे प्रोग्राम हम लोग करते थे। अच्छा, इंश्योरेंस भी आप लोगों ने, तो इंश्योरेंस क्या, सिर्फ इंश्योरेंस है या और भी सुविधाएँ हैं इसमें? हेल्थ इंश्योरेंस है, और ट्रैक्टर का लोन वगैरह हम लोग भी प्रोवाइड करवाते हैं, किसान को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करवाते हैं, बाइक लोन, ऑटो लोन, हर टाइप के लोन प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, अर्चना जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, आप एक महिला VLE हैं, तो कॉमन सर्विस सेंटर की जब सुविधाएँ देने जा रही हैं, आप लोगों को सुविधाएँ पहुँचा रही है, सेवाएँ दे रही है, तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सबसे पहली चीज़ दिक्कत ये आती है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम है तो लोग सोचते हैं फ्री प्रोग्राम है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती है। और रूरल एरियाज में रास्ते बहुत ख़राब होते हैं, वहाँ तक पहुँचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी धीरे धीरे लोग जब इसको समझने लगते हैं तो सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। घर से कितनी आपको सपोर्ट मिला कि आप एक CSE VLE बन गई, आपने एक CSE सेंटर खोला है, तो घर से क्या क्या आपको सुविधाएँ मिली, कितना सपोर्ट मिला? घर से मेरा बहुत ही सपोर्ट रहा, क्योंकि मेरी मैरिज को 11 साल हो चुके हैं और मैंने इंटरकास्ट मैरिज की है, मेरे हस्बैंड हैंडीकैप हैं, तो मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मेरी मदर फादर आज तक मुझे सपोर्ट नहीं करते इसके लिए, लेकिन मेरे ससुराल से और मेरे हस्बैंड का इतना अच्छा सपोर्ट है कि आज मैं सेल्फ डिपेंड हूँ और CSE आज मेरी पहचान है। क्या बात है, ये बहुत ही अच्छा एक आपने माध्यम चुना है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का, लोगों तक सेवाएँ पहुँचाने का। क्या कॉमन सर्विस सेंटर रोज़गार का एक साधन है? पहले आप क्या करती थी और अब CSE से जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदली है? हाँ, CSE से जुड़ने से पहले मैं UPSDM में ट्रेनर थी, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर थी, और CSE को ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे इसमें प्रोग्राम्स बढ़ते गए। अभी आपका इकोनॉमिक सेंसस हुआ था, तो मैंने 10 इनोवेटर अपने नीचे ऐड कर रखे थे, जिनको मैंने रोज़गार दिया और जिन्होंने काम किया है। और पेमेंट थोड़ा सा इशू था, लेकिन पेमेंट टाइम पे होता है। और आज भी मैंने 7 इनोवेटर ऑपरेटर और ऐड कर रखे हैं, जो अलग अलग एरियाज में काम करते हैं। आप लोगों को अपने आप अपने साथ CSE से जोड़ रही हैं, तो क्या आपने कोशिश की है कि आपके अंडर में जितने लोग काम करें वो महिलाएं काम करें, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रही हैं आप? CSE ने जैसे वुमेंस पावर को और बढ़ाने के लिए इम्प्रूवमेंट किया है, वैसे मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है। मेरे अंडर में जितने भी लोग काम करते हैं उसमें लेडीज़ ज़्यादा है। अच्छा। मैं आपको एक अपने ऑपरेटर से मिलवाना चाहती हूँ, जिसका नाम है रोशनी जी। बिल्कुल, एक छोटे से गाँव से बिलोंग करती है, जो गाँव
हमारे मेन रोड से 3 किलोमीटर दूर एरिया में आता है। अच्छा। वहाँ से तक ये पैदल जाती है और पैदल रनवे करती है, तब ये टैक्सी पकड़ती है और 10 किलोमीटर दूर जहाँ पे मेरा सेंटर है। अच्छा। वहाँ पे ये वर्क करने के लिए आती है। अच्छा। तो इसके एरिया में बहुत ही ज़्यादा लिटरेसी की प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके गाँव में मुश्किल से 5,000 की आबादी होगी जिसमें से 10 लोग ही पढ़े लिखे हैं, और ये एक सिंगल पर्सन है जो बाहर निकलकर काम कर रही है और सेल्फ डिपेंडेंट है। रोशनी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अपने गांव से पहली लड़की हैं आप जो निकल के आई हैं। कैसा लग रहा है काम? बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर निकल के हम दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, हमको अगली जानकारी मिल रही है ताकि हम आगे बढ़ सके और इससे भी आगे। बहुत बढ़िया, कुछ अच्छा काम कर सके। क्या कानूनी सुविधाएं भी प्रोवाइड करते हैं हम, जैसे अगर किसी को दिक्कत होती है परिवार में, कोई झगड़े हो गए, तो मैंने सुना है कि कॉमन सर्विस सेंटर वैसी भी कोई सुविधा देता है, तो क्या आप ये सुविधाएं देती हैं? हाँ, CSA की एक स्कीम है जिसमें टेली लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कानूनी सलाह मुफ्त में प्रोवाइड करवाते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर बच्चों के एजुकेशन के लिए, यानी कि बच्चों की जो पढ़ाई है उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा तत्पर रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है, तो बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप लोगों ने कोई स्कीम चलाई है? प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता मिशन, जिसके अंतर्गत 14 साल से 60 साल तक लोगों को डिजिटली लिटरेट बनाया जाता है, और हमारा प्रोग्राम है कि गाँव के हर एरिया के फैमिली मेंबर्स में एक फैमिली मेंबर्स को डिजिटली लिटरेट बनाया जा सके। अच्छा, तो क्या चिकित्सा केंद्र भी है एक तरह का ये? हेल्थ स्कीम के अकॉर्डिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा डॉक्टर आपको बेस्ट हॉस्पिटल से एडवाइस प्रोवाइड करवाते हैं और आपको बेस्ट मेडिसिन प्रोवाइड करवाती है इससे। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। तो ये थी हमारे साथ एक महिला वियली, जो मलिहाबाद की एक महिला वियली अर्चना गुप्ता, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनका संघर्ष रहा, एक तरह से उन्होंने CSE सेंटर खोला है, अपने आप को आत्मनिर्भर किया है, लोगों तक सेवाएँ पहुँचा रही हैं। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज़ के लिए, ऐसी अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।